हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हैंग आउट विद मोमिता। और मैं मोमिता, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है सिंपल फिश करी की सब्ज़ी। और इसके लिए मैंने रोहू फिश लिया है। तो देखिए, ये फिश करी कुछ इस तरह से बनेगी। इसमें मैंने बहुत कम मसाला यूज़ किया है, बस प्याज दिए हैं और मैंने कोई पेस्ट नहीं बनाया है। फिर भी ये बहुत ही टेस्टी बना है और इसमें मैंने बहुत सारे वेजिटेबल्स भी यूज़ किए हैं। तो देखिए, अब मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ गरम कर लिया है तेल और मैंने फिश फ्राई करूँगी। जो मैंने आपको देखा, मैंने फ़िश को मैरिनेट करके रखा था, हल्दी और नमक बस। और इसके बाद मैं फ़िश को फ्राई कर लूँगी। और इस फिश को फ्राई करते समय मैंने ज़्यादा ऑयल लिया है, क्योंकि इसी ऑयल में मैं वेजिटेबल्स को भी फ्राई करूँगी। तो मैंने फिश एक ही साथ सारा दे दिया है फ़िश फ्राई करने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करूँगी इसको मैं लाइट फ्राई करूँगी। क्योंकि अगर जब हम इसको ग्रेवी बनाते हैं या झोल बनाते हैं, तो अगर हम लाइट फ्राई करें तो फ़िश के अंदर भी ग्रेवी जाता है और फिर फ़िश बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे फ्राई कर लिया है। आप चाहे तो और थोड़ा सा लाइट भी कर सकते हैं। सारी मच्छियाँ फ्राई हो गई है और अब मैं धीरे धीरे इसमें से सारी एक एक करके मच्छियाँ निकाल लूँगी। और इसी तेल में, जो लेफ्ट ओवर तेल है, इसमें मैं वेजिटेबल्स को भी फ्राई कर लूँगी। आप चाहे तो मच्छियाँ फ्राई करने से पहले भी वेजिटेबल्स फ्राई करके रख सकते हैं। तो मुझे इसे मच्छी में ही वेजिटेबल्स यूज़ करना था, इसीलिए मैं इसी ज़्यादा से तेल देके मच्छियों को फ्राई करने के बाद इसमें मैं वेजिटेबल्स फ्राई करूँगी। तो अब देखते हैं, चलिए मैं इसमें क्या क्या वेजिटेबल्स दूँगी। तो इसमें मैंने सबसे पहले आलू और ये पटल दिए हैं। और ये पटल मैंने हल्के हल्के छिलके रख दिए हैं, ताकि ये पूरी तरह से नरम ना हो जाए। ये बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छे पटल थे, इसमें थोड़े भी बीज नहीं हैं। पटल और आलू को अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। और इसे फ्राई करने के बाद इसमें मैं वड़िया डालूँगी। आप चाहे तो डाल सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे, लेकिन बंगाली फिश करी में वड़ी बहुत यूज़ होते हैं। और हर एक वेजिटेबल्स दे के ग्रेवी बनाना, झोल बनाना, आप देखिएगा हर एक बंगाली घर में इस तरह का बनता है। किसी किसी में और भी ज़्यादा लाइट झोल बनता है। तो इसी ऑयल में फिर मैं बढ़िया भी फ्राई कर लूँगी। और मैंने मछली कम यूज़ किया है, इसलिए मैंने बढ़िया भी कुछ दी है, कुछ कम दिए हैं। आप चाहे तो ज़्यादा भी दे सकते हैं। और इसको निकाल लेने के बाद ये जो ऑयल है, अब ये जो ऑयल बचा है, मैं इसी से पूरा झोल बनाऊँगी। तो इसमें मैंने अभी कलौंजी ऐड किया है, काला जीरा और कुछ दो प्याज काट करके रखे थे मीडियम साइज़ के, इसे ऐड कर दिया है इसमें। आप चाहे तो ये ऑयल को डिस्कार्ड कर सकते हैं अगर आपको लगे कि ये ऑयल बहुत जला है, लेकिन हम यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये ऑयल अभी यूज़ कर लेने से ठीक है। इसको अगर हम फेंक देंगे तो ये वेस्ट हो जाएगा। और एक छोटा हल्का सा पेस्ट बनाया है, जिसमें मैंने हल्दी अदरक को ग्रेट कर लिया है, नमक एक चम्मच मैंने ऐड किया है और यहाँ पर मैं ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी, बस इतना ही। इसको अगर हम डायरेक्ट तेल पे देंगे तो ये जल जाएगा, इसीलिए मैंने इसे पाउडर, इस सारे पाउडर को मिक्स करके मैंने पानी दे के इसे एक पेस्ट की तरह बना लिया है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद चलिए देखते हैं कि हमारा प्याज फ्राई हुआ है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पर प्याज फ्राई हो गया। मैंने जो पेस्ट बनाया था इसको इसमें डाल दिया है। और इस ये पेस्ट को और नहीं, आप डायरेक्ट भी इसको दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट देने से मुझे अच्छा लगा कि इसे हल्का सा पानी दे के पेस्ट बना के रखने से अच्छा है। ये है कश्मीरी मिर्च, रेड चिली पाउडर, लेकिन ये तीखा नहीं है, ये सिर्फ कलर के लिए है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे भी सकते हैं। अगर ये आप दे तो इसका कलर, जो ग्रेवी है इसका कलर रेडिश होता है, अदरवाइज़ जो ग्रेवी का कलर होता है ये येलोइश हो जाएगा। तो देखिए, जब ये इसमें से तेल अलग हो रहा है, इसमें मैंने अब नेनुआ और ये है बैगन मैंने ऐड कर लिया है। ये बहुत जल्दी नरम हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको लेट में दिया है। तो जैसे ही मसाला और तेल अलग हो जाएगा, उसी समय मैं बैगन और ये नेनुआ, देखिए इस दो सब्जियों को देखे, मैं इसे फ्राई कर लूँगी। कुछ देर फ्राई करने के बाद, इसे पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं होना है, क्योंकि अभी मैं इसमें पानी भी ऐड करूँगी तो बैगन बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी ये नरम हो जाता है। तो इसमें मैंने अब कुछ मिर्ची ऐड कर दी है। मिर्ची आप अपने हिसाब से ऐड कीजिए, आप चाहें तो इसमें मिर्ची का पेस्ट भी देख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पर मिर्ची ऐड करने के बाद कुछ देर इसको मिक्स कर लूँगी मैं। मिक्स करने के बाद इसमें मैं जितना झोल बनाना चाहूँगी उसके हिसाब से मैं यहाँ पर पानी ऐड कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर एक ग्लास पानी ऐड कर दिया है और थोड़ी ही देर में मैं इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड की हूँ। सब्जियों को एक बार मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ी ही देर में और हाफ ग्लास पानी डाल दूँगी,
क्योंकि ये अभी बॉयल होगा और कुछ देर उबलने के बाद इसके बाद मैं इसमें फिश डालूंगी। तो पानी देने के बाद मैंने जो सब्ज़ियाँ फ्राई करके रखी थी उसे भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि ये सारे फ्राई हुए थे लेकिन ये सॉफ्ट नहीं होते। देखिए ये उबलने लग गया है और इसका कलर भी आ गया है और वेजिटेबल्स बहुत सॉफ्ट भी हो गए। इस समय मैंने बड़ी भी ऐड कर दी, क्योंकि बड़ी भी ऐड करना है और बड़ी को भी सॉफ्ट होना है और फिश को भी मैंने ऐड कर दिया। अब सबको एक साथ मिक्स करने के बाद आप चाहे तो इसमें थोड़ा और पानी मिला सकते हैं, लेकिन मैं 3 लोगों के लिए बना रही हूँ तो इसमें मुझे ज़्यादा इसको झोल नहीं बनाना है। कुछ कुछ सब्ज़ी अभी मेल्ट भी होने लग गई है, तो इस देखिए अच्छे से झोल रेडी हो गया है, बॉयल्ड होने लगा है, उबलने लग गया है। और इस समय मैं कुछ देर के लिए ढक दूँगी, अगर सब्ज़ियाँ थोड़ी बाकी है वो हो जाएगा। बीच बीच में मैं सब्ज़ियाँ चेक भी कर रही हूँ कि ये सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा ना गल जाए, मेल्ट ना हो जाए। तो देखिए ये प्रॉपरली अच्छे से पक गया है, कुछ देर से बॉयल भी हो गया। लगभग ये कवर करने के बाद मैंने 5 से 7 मिनट तक इसको लो फ्लेम में ये सब्ज़ियाँ होने लगी है। कुछ देर के लिए मैं फिर से इसे पकाऊँगी। तो अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे, रेसिपीज़ अच्छा लगे, तो ज़रूर मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा। तो देखिए ये इस तरह से बना है। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए रेसिपी के साथ मेरे नेक्स्ट चैनल में। टिल देन बाय।